भारत के तमिलनाडु के एक छात्र ने रूस के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन की पैरा मिलिट्री में एंट्री ली है। कोयंबटूर जिले के थुडियालुर इलाके का ये युवा इंजीनियर पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साई निकेश ने 2018 में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और उसके बाद भारतीय सेना में प्रवेश के लिए दो बार कोशिशें की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। भारतीय सेना में प्रवेश नहीं मिलने पर उसने अमेरिकी सेना में प्रवेश करने के रास्तों पर विचार किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। परिवार वालों ने साई को खारकीव के नेशनल एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेज दिया। हम सब जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है, युद्ध के हालात हैं, रोज बमबारी हो रही है, मिसाइलें गिर रही हैं। आम नागरिक भी अपना देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नागरिक भी हैं जो यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार उठा रहे हैं। निकेश ने भी यूक्रेन में रहने और रूस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। निकेश के परिवार वाले उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकेश मानता नहीं है। उसने रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में यूक्रेन की सेना की ओर से हथियार उठा लिए हैं। भारत में कद छोटे होने के कारण आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो सका, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध ने साई निकेश को सेना में जाने का अवसर दे दिया। अब निकेश यूक्रेन की ओर से लड़कर सोल्जर बनकर अपने सपने पूरे कर रहा है। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।